ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को स्वमान याद दिलाया। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, तो चले हम अपनी आत्मा को त्रिकाल दर्शी स्थिति में स्थित करें। इस शरीर में विराजमान दो प्रकृति के मध्य में अपनी सीट पर सेट हो जाइए, अपने स्वमान में स्थित हो जाइए। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, अपने आप को देखें, वर्तमान भविष्य और भूतकाल तीनों को जानकर इस संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। अपने आप को देखिए, मैं आत्मा जो भी कर्म करती हूं, जो भी बोल बोलती हूँ, जो भी सोचती हूँ, जो भी देखती हूँ, जो भी सुनती हूँ, वो सब कर्म त्रिकालदर्शी होकर के अपने स्वमान के सेट पर सेट होकर के कर रही हूं। त्रिकालदर्शी की सेट पर सेट होकर के हर कर्म करने से हमारे तीनों काल श्रेष्ठ हो जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमारे पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु जो त्रिकालदर्शी है, उनसे हम उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए परमधाम की ओर चले। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा अपने अनादि स्वरूप में त्रिकालदर्शी पिता को मिलने के लिए जा रही हूं। देखिए अपने निज धाम को और निज धाम में विराजमान त्रिकालदर्शी पिता को मैं त्रिकालदर्शी आत्मा पिता को देख रही हूं।
उनके पास में बैठ गई हूँ। उनकी शक्तियां मुझ आत्मा पर फाउंटेन की तरह आ रही है। उस सर्वशक्तिवान त्रिकालदर्शी पिता मुझे भी वो शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा उन शक्तियों को अपने में समाती जा रही हूं। धीरे धीरे पिता सूक्ष्म वतन की ओर मुझे ले जा रहे हैं। मैं उस त्रिकालदर्शी पिता के साथ मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर के अपने सूक्ष्म लोक फरिश्तों की दुनिया में प्रवेश कर चुकी हूं। शिव बाबा अपनी शक्तियों की किरणें फैलाते फैलाते वो फरिश्ता बाप समान फरिश्ता ब्रह्मा बाबा भी उनकी शक्तियों को लेकर समा रहे हैं। शिव बाबा उसके अंदर समा गए हैं। बाप दादा दोनों फरिश्ते के रूप में त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के मुझ नन्हे से छोटे से फरिश्ते को अपनी शक्तियों की किरणें उन शक्तियों की किरण रूपी बाहों में समाती जा रही है। मैं नन्हा सा फरिश्ता उसकी शक्तियों में समाती जा रही हूं। उनकी शक्तियां मुझे त्रिकालदर्शी बनाने में मदद कर रही है। ने फरिश्ता बाप दादा की दृष्टि से अथाह गुण और शक्तियां ले रही है। मुझे बाप दादा फरिश्ते के रूप में कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। बाबा मुझे धर्मराज पूरी दिखा रहे और कह रहे हैं, बच्चे अगर त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म नहीं किया तो देखो
कैसे कैसे सजा की, प्रायश्चित की, पछतावे की घड़ियां होंगी, फिर नहीं कहना कि मात पिता बाप दादा रहम करो कृपा करो। हमको पता नहीं था, हम भूल गए थे, इसलिए बाबा बाप दादा ये मुझे दृश्य दिखा करके समझा रहे हैं। बच्चे हर कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के करो, जो भी बोलेंगे सोचेंगे करेंगे सुनेंगे वो सब करने से पहले ब्रह्मा बाप को देखकर फॉलो करो। वो फरिश्ता अव्यक्त त्रिकालदर्शी स्थिति कैसे प्राप्त की, उसके हर कर्म को देखो। बाबा हर आत्मा के प्रति क्या सोचते थे, वो अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा हर आत्मा को कैसे देखते थे, त्रिकालदर्शी पन के स्थिति में स्थित होकर वो भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा हरेक के भाग्य को पहचान करके उसको भी प्यार की दृष्टि देकर के अनुभव कराते थे। इसलिए सभी बच्चे कहते थे ब्रह्मा बाबा मुझे जितना प्यार करता है उतना और किसी को नहीं। अपने आप को हम देखें क्या इस तपस्या मास में मैंने ऐसी मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति बनाई है कि अभी भी मेरे मन में मेरे दिमाग में मेरी सोच में मेरी दृष्टि में मेरी वाणी में कड़वाहट तो नहीं है। किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ अशुद्ध भाव तो नहीं है। अगर कहां भी कोने में छिपा हुआ है तो अभी भी हमारे पास इसको खत्म करने का समय है। अपने आप को देखिए, जो हमारा लक्ष्य है बाप समान बनने का, तो क्या जो बाप दादा के बोल वैसे ही मेरे बोल हैं, जो बाप दादा की दृष्टि क्या मेरी दृष्टि मैंने ऐसी बनाई है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर के सोची मैं जो बोलूंगी
जैसा देखूंगी, जैसा सोचूंगी, वैसा मुझे हर कल्प में प्राप्त होगा, हर युग में प्राप्त होगा। जो भी वर्तमान मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरा संगम युग पर किए हुए कर्मों का फल है। और अभी भी मैंने सोच समझकर तीनों कालों को देख करके अपने मन बुद्धि संस्कार वृत्ति दृष्टि कृति को त्रिकाल दर्शी बन करके नहीं किया तो फिर मुझे जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। समय होते हुए भी सफल नहीं किया, श्रेष्ठ विचार होने पर भी श्रेष्ठ सोचा नहीं। आत्मिक दृष्टि से देखा नहीं, किसी भी प्रकार का अटेंशन नहीं दिया और ऐसे ही ब्राह्मण जीवन बिता दिया। बाबा मुझे सावधान कर रहा है, बच्ची ब्रह्मा बाप का जीवन आपके सामने दर्पण है, उसके दर्पण में देखो। देखते ही पता चल जाएगा की स्थिति में स्थित होकर के अपने तन मन धन समय संकल्प सांस सब कुछ सफल करना है। एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, मास्टर त्रिकाल दर्शी आत्मा बाप दादा को कहती हूं, बाप दादा हम अवश्य बाप समान बनकर दिखाएंगे, आपकी आशाओं को पूर्ण करेंगे। त्रिकाल दर्शी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करेंगे जो मुझे पछताना न पड़े। अभी तक जो भी हुआ है उसको फुल स्टॉप लगा देंगे और आगे के लिए जो भी होगा वो मेरे लिए बहुत 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 अच्छा ही होगा, मुझे पूरा निश्चय है। क्योंकि मेरे साथ त्रिकालदर्शी बाप दादा है, इसलिए मेरे से वो कोई ऐसे कर्म करवाएंगे ही नहीं, मुझे सावधान करते रहेंगे। ऐसे मैं त्रिकालदर्शी आत्मा फरिश्ता बाप दादा से शक्तियां प्राप्त करते करते दृष्टि लेते लेते साकार
परलोक की ओर जा रही है। अपना संपन्न अव्यक्त परिस्थिति धारण करके मैं धीरे धीरे साकार लोक में, साकार शरीर में, दो ब्रह्मोटि के मध्य में अपनी त्रिकाल दर्शी स्थिति पर सेट हो गई। अब मैं हर कर्म अपने समान में स्थित होकर के करूंगी। ओम।